अच्छा महापर्व छठ अनुष्ठान शुरू हो चुका और उसका दूसरा दिन आज है। खरना अनुष्ठान आज किया जा रहा है। सभी जगह रौनक है और वो रौनक नजर आ रही है। लगातार आपको हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। अब आपको सीधे हम लिए चलेंगे पतरातू, जहां हमारे सहयोगी शहनवाज अख्तर मौजूद हैं और यहां पर खास छोटू छलिया भी उनके साथ मौजूद हैं। शहनवाज, आप इस वक्त पतरातू में हैं और यहां पर छठ का समा किस तरह बंधा हुआ है, कितना उत्साह है छठ को लेकर? मौजूद हैं, बल्कि बेबी काजल मौजूद हैं, भोजपुरी फिल्मों की, भोजपुरी गायकी की हस्ताक्षर हैं, आजकल बहुत मशहूर हैं और उनके गाए हुए गीत गलियों चौबारों में गूंज रहे हैं। बड़ी मीठी आवाज और बहुत ही खूबसूरत शख्सियत की मालकिन हमारे साथ बैठी हैं। लेकिन छोटू छलिया अपने आप में एक बड़ी शख्सियत है। भोजपुरी जुबान को अगर हम एक साहित्यिक दृष्टि से देखें तो इनका नाम चंद ऊपर की सत्रों में जो बड़े गायक हैं उनमें शुमार होता है। खास करके इनका गाया हुआ वो गीत गलियों गलियों में जब शादियां होती हैं, बैंड बाजे निकलते हैं, घोड़ी चढ़ते हैं, कोई तो फरमाइश करके गाते हैं, हाय रे होठलाली, हाय रे कंगना, ये गाके भी सुनाएंगे। लेकिन सबसे पहले तो हम परिचय करा दें। सीधी तस्वीरें लाइव प्रसारण में काजल जी, लेडीज फर्स्ट, आप अपना परिचय दें। जी, सबसे पहले जितने दर्शक मुझे देख रहे हैं या हमें देख रहे हैं सबको मैं प्रणाम करती हूँ और गोल छुके गोल लगाता नहीं आप सभी लोगों के छठ महापर्व की ढेर सारा शुभकामनाएं बा और बहुत बहुत मुबारक हो आप सबके पर्व। हमारे एक सॉन्ग आई रहा है तो उस सॉन्ग हम गा के सुनाई। जैसे कि एक घड़ी कोरोना चल रहा बा और छठ पूजा बहुत जगह धूमधाम से भी नहीं होत, जे भी घर में करता या बाहर घर में करता लोग या फिर गांव में। तो एक पत्नी बड़ा प्रेम से आदित्य मल से कहा तरी कि उनके पति बॉर्डर पे बाड़े और उनका रक्षा करी देव। तो बहुत अच्छा से कहा तरी, कैसे कहा तरी, बुढ़ारा पासैया छठी मैया, बुढ़ारा पासैया छठी मैया, हावे दिसावा किसान, हावे दिसावा किसान, रखी हा सलामत दीनानाथ, रखी हा सलामत दीनानाथ, सिनुरा सजल रहे मांग, सिनुरा सजल रहे मांग। तो ये सॉन्ग था, सभी मेरे भाइयों जितने भी हैं बॉर्डर पे आप सभी लोगों को दिल से सैल्यूट है, क्योंकि आप सभी पर्व छोड़ के और हमारी भारत माता का रक्षा कर रहे हैं, हमारी रक्षा कर रहे हैं। तो दिल से आप सभी लोगों को हैप्पी छठ पूजा और दिल से प्रणाम करती हूँ सर। बहुत खुशी हुई होगी दर्शकों आपको ये मीठी आवाज सुनकर। अभी आवाज का ये सुरीला सफर जारी रहेगा, लेकिन अब बारी आ गई है छोटू छलिया से रूबरू होने का। और ये छोटू छलिया आपके अंदर के गमों को हर लेंगे छल के साथ। मेरे ख्याल से बड़ा नाम, बड़ी शख्सियत और खूबसूरत आवाज के मालिक। अभी अभी कह रहे थे कि कोरोना का समय है और कोरोना के समय में छठ कैसे मनाएंगे, ये एक समस्या है और इसी भाव को उन्होंने गीत का रूप दिया है। सीधे सीधे आप के हवाले। सबसे पहले सभी लोग को मेरा प्रणाम नमस्कार और हैप्पी छठ पूजा, ढेर सारा बधाई व छठ पूजा के। और शुरुआत करता नहीं हम वाकई में कोरोना के गाना से। अरे कैसे हुई है छठी के परबिया दीनानाथ, घेरा ले बा कोरोना बिहार। कैसे हुई है छठी के परबिया दीनानाथ, घेरा ले बा कोरोना बिहार। अरे केहू कुछ सुनते नहीं खे बतिया छठी माई, परमिशन ना ही देला सरकार। कैसे होई
छठी के परबिया हो दीनानाथ आफत में परल झारखंड या बिहार। और ये था स्पेशल कोरोना का काल में छठ जो हम लोग मना रहे हैं दूरी बना के। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि ये सारे चीजें जो है ना, अभी बिहार में चुनाव हुआ उसके लिए कोरोना नहीं था, तो एक बार सोचना चाहिए। हमारे आस्था है पर मामा छठी मैया में दीनानाथ में, तो ये सोचना चाहिए एक बार कि आप अपना काम सोलियों से निकाल लेते हैं, लेकिन जब हमारी आस्था जहाँ से जुड़ी होती है तो वहां आप रोक लगाते हैं। बाकी दीनानाथ छठी मैया कृपा करे। और एक बहुत प्यारा मैं और गीत मैं और बेबी काजल जी मिल के गाएंगे। और अर्थ चला धानी धीरे धीरे की बहन लचे केला नदिया के तीरे तीरे। चली स्वामी धीरे धीरे, चली स्वामी धीरे धीरे की बहांगी लचे केला नदिया के तीरे तीरे। की बहांगी लचे केला नदिया के तीरे तीरे। और ढेर सारा छठ, लेकिन ये छठ का कुछ गीत ऐसा होता है जिसको सुनने के बाद वाकई में रोंगा खड़ा हो जाता है, रोम रोम खड़ा हो जाता है। और वो प्यारा इतना ट्यून होता है, धुन होता है, सब चीज़ सुनने के बाद इतना बढ़िया लगता है। तो मैं आगे फिर एक गीत सुनाने जा रहा हूँ छठ का, और इस साल मैं गाया हूँ उस गीत को। थोड़ा सा ननद भौजाई का जब बच्चा होता है भाभी को, तो ननद आती है और अरे अरे गोदिया भरल दीनानाथ अलो ननद राती में, अरे अलो ननद राती में हिलावल बाड़ू हो। अरे कोसिया अरे गोदिया भरल दीनानाथ आ कोसी भरे अलो राती में, कोसी भरे अलो राती में हिलावल बाड़ू हो, हिलावल बाड़ू हो। आ ननद नाची के छठी घाटी के हिलावल बाड़ू हो, ननद नाची के छठी घाटी के आ भर दिहले हो। आ दीनानाथ हमारो हई गोदिया भर दिहले हो, आ गोदिया दीनानाथ गोसैया आहा। अरे हाँ मंगल होता हो आ यही जा जुटल सारा गैया। अरे हाथ के कंगनवा देबो सोना के कंगनवा नेगावा दे हम तोहरा हाथ में हिलावल बाड़ू हो, हिलावल बाड़ू हो ननद नाची के छठी घाट के। या वाकई में जब एक बांझिन का पुत्र नहीं हो रहा है तो खुशी में जब कोसी भराते उनकी ननद आती है तो खुश होके वो गहना कहती है आ डांस करती है ना, तो ये कहती है। और बड़ी प्यारा प्यारा आप काजल जी गाना गाती है वो बाजिन पुकारे क्या गाई गा के बताइए लोगों को दर्शकों। और सहनाज जी एकदम भैया अच्छा लग रहा है ना, छठ अच्छा लगने का चीज ही। देखिए मेरी जहाँ तक मान्यता है बात है कि शारदा सिन्हा जी अगर ना गाए तो मुझे लगता है सूरज ना निकले। क्या बात है, छठ के गीत और बचपन से सुनते सुनते, खास करके मैं भागलपुर में पला बड़ा, गंगा किनारे नावों का चलना, और खास करके छठ की का जब माहौल बनता है तो गीतों से बनता है, गीतों के बिना, खास करके शारदा सिन्हा जी अनुराधा पौडवाल जी अगर उनके गीत ना हो तो छठ में वो बात ही नहीं आए, मजा ही नहीं आए। लीजिए पूजन केर बिरावा
ये सब सॉन्ग है, पर जो श्रद्धा सिन्हा जी ने गाया है, अनुराधा पटकोल जी ने गाया है, वो सब वाकई रुआ को गनगना देता है और लगता है जैसे सुनने के बाद लगता है प्रकृतिक साक्षात धरती पे उतर गई हो और सजा दिया गया हो धरती को। अनुसरण करते हैं हम लोग, बड़ी अच्छा लगता है कि क्योंकि उन लोगों का अनुसरण हम करते हैं। गीतों की बात चली तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी पसंद का कोई गीत जो छठ का है, हाँ। और खास करके जो आप बहुत मन से गाती हो, पेश करें दर्शकों। जी तू चाही दास की बहंगिया दीना नाथ का चाही लगला के बार घोड़वा चढ़न जल्दी आई है दीना नाथ बर तीन कर ले पुकार। ये सॉन्ग मुझे बहुत पसंद है, मैं बहुत दिल से गाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये गाना। और तो छोटू चलिया जी, आपकी याददाश्त में बचपन से आपको कौन सा छठ गीत बहुत ज्यादा पसंद आया? मैं एक तो पहले मैं खुद अभी लेटेस्ट गीत गाता हूँ, मैं क्योंकि झारखंड से अभी लाइव हूँ अभी पतरातु से, तो आज यहाँ का अरे तराची के घटिया के करा दीना सफाई ए है मांत सोरन जी, धनबाद के घटिया के करा दीना सफाई ए है मांत सोरन जी, छठ के पर बिया मिया राइल ए है मांत सोरन जी, छठ के पर बिया मिया राइल ए है मांत सोरन जी, ना जाने कौन रहिया आई है छठी माई ए हे मांत सोरन जी, आ गली गली दी ना है लाइट लगा भाई ए हे मांत सोरन जी, ना जाने कौन रहिया आई है छठी माई ए हे मांत सोरन जी, आ छठी के पर बिया निया राइल ए हे मांत सोरन जी। मुझे यकीन है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो इस वक्त नेतरहाट में है सब परिवार अपने प्राइवेट हॉलिडे में है, अपने परिवार के संग अपनी छुट्टी मना रहे हैं, जाहिर है बहुत कम मिलता है उनको वक्त अपने परिवार के लिए, तो उन्होंने ये सुना होगा। और मैं आपको बताता हूं कि उन्होंने ही जनता की भावना को देखते हुए बहुत सारी छूट भी दी, हालांकि वो छूट केंद्र सरकार की रूलिंग के खिलाफ कहा जा सकता है, लेकिन फिर भी उन्होंने दी है क्योंकि भावनाओं का सवाल था। तो सीधे सीधे गीतों पे चलते हैं, इन सब बातों से थोड़ा सा हटते हुए हम चाहेंगे कि कुछ एक ऐसा गीत आप गाएं जिसमें कि दोनों की आवाज शामिल हो। हाय होगी है सिर जय बाबा पाड़ी राउ रगो राउ रे गल कए बाबा दुनिया होला अंजो राउ रे गल कए बाबा दुनिया होला अंजो रे उगी है सूरू जय बाबा पड़ी राउर गो रौए गल कए बाबा दुनिया होला जोर हाँ रौए गल कए बाबा दुनिया होला जोर बचपन के दुखिया बाबा बचपन के दुखिया बाबा माई बापा नामो हमारो जिंदगिया में खुशिया ले आई थी जिंदगी करती अंजो हमारो जिंदगिया में खुशिया ले आई था जिंदगी कताया जो उगी है सूरू जय बाबा पड़ी राउ रगो राउ रे
गंगा लकाए बाबा दुनिया होला अंजोर राऊ रे गलकाए बाबा दुनिया होला अंजोर। तो झारखंड की धरती पे दो बड़े बहुत ही खूबसूरत गायक और गायिकाओं का पदार्पण हुआ है पतरातू में एक म्यूजिकल एल्बम की शूटिंग से। थोड़ा सा समय निकालकर हमारे से रूबरू हैं, न्यूज 11 के सीधे प्रसारण में शामिल हैं इस वक्त छोटू छलिया जी और बेबी काजल जी। झारखंड आप लोगों को कैसा लगता है? देखिए हम तो बार बार झारखंड आते हैं शूटिंग के लिए, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि झारखंड में सब्सिडी भी है और यहाँ का लोकेशन भी बढ़िया है, तो हम लोग बिहार से चल के आते हैं और यहाँ से बोल के जाते हैं कि हमारे बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी है तो कलाकार के बारे में एक बार सोचे, क्योंकि पर्व सजता है ना, जब पर्व छठ आता है तो संगीत बताता है, कलाकार बताते हैं कि छठ पर्व आ गया है। तो विनती है कम से कम बिहार में भी वैसा लोकेशन आप लोग बनाए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, और वहाँ भी कलाकार के लिए सब्सिडी कुछ मिले। आप कुछ कहना चाहेंगे झारखंड की खूबसूरती के बारे में? जी मैं यहाँ पे पहली बार आई हूँ पतरातून में, और झारखंड में मैंने रांची भी गई थी पहली बार, और मुझे यहाँ का लोकेशन देखी वाव लग वाव कितना अच्छा लोकेशन है ना, ऐसा निकला मुँह से, और बहुत ज्यादा जिसे बोल सकते हैं मुझे अच्छा लगा यहाँ। जब मैं डैम के आगे गई, वहाँ जो सड़क बनाया हुआ है, फाटक जो है मैंने देखा, बोले कि यार मुझे लगा कि मैं कश्मीर आ गई, वैसा लगा कि इतना सुंदर नजारा था कुहासा के साथ, और बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ के। और जितने दर्शक देख रहे हैं प्लीज यहाँ आइए लोग, बहुत अच्छा जगह है। हाँ एक गाने की बारी है, माइक आप अपने पास ही रखे हैं जी, म्यूजिक सुनाए लोग बहुत है ही ऐसी कि एक बार जो हम लोगों ने गाना गाया था अभी गाया रिसेंट में, महंगा मुंगेर मोरा सैया जालन, महंगा मुंगेर लीले आई हो सैया गेहूं के मुटरिया, लीले आई हो सैया गेहूं के मुटरिया, गेहूं के मोटरिया मा जो शहनवाज हमें पत्रातू से दिखा रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया शहनवाज इन दोनों कलाकारों से हमारे दर्शकों को रूबरू कराने के लिए। तो महापर्व छठ की रौनक सभी जगह है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आगे भी खबरें जारी रहेंगी।